नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर प्रखंड के सलेमपुर गांव में कृषि विभाग द्वारा आत्मा मधुबनी के सौजन्य से पहीपुरा स्थित पंचायत भवन पर मुखिया अनिरुद्ध राय की अध्यक्षता एवं किसान सलाहकार विनय कुमार के संचालन में पंचायत स्तरीय एक दिवसीय गैर आवासीय खरीफ किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें BAO मुकेश कुमार मिश्रा द्वारा आधुनिक तरीके से जैविक खेती से किसानों को होने वाले फायदे एवं खेत में पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मधवापुर वासुकी विहार उत्तरी दक्षिणी बलवा साहर उत्तरी दक्षिणी मुखिया पट्टी सलेमपुर उत्तरा एवं पेहवाड़ा पंचायत में किसान चौपाल संपन्न कर लिया गया है। शेष पंचायतों में भी कल तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं BTM अनिल कुमार ने कहा कि खेत में पराली जलाने से यहां खेत की उर्वरा शक्ति को क्षति पहुंचती है, वहीं पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इस क्रम में पहीपुरा उत्तरा के मीनती स्थित पंचायत भवन एवं पेहवाड़ा में भी संबंधित मुखिया की अध्यक्षता एवं किसान सलाहकार के संचालन में खरीफ किसान चौपाल का आयोजन किया गया। साथ ही अखिल भारतीय समाज कल्याण संस्था के कलाकारों किसान जागरूकता चौपाल के तहत इन स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जैविक खेती करने से होने वाले फायदे एवं पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में सहजता से जानकारी दी गई। इस क्रम में रासायनिक खाद के प्रयोग को रोकने एवं जैविक खेती करने पर बल दिया गया। दोनों के फायदे एवं नुकसान से मौजूद किसानों को अवगत कराया गया। मौके पर मुखिया अनिरुद्ध राय, उप मुखिया बुधनी देवी, ATM रणधीर कुमार सिंह, कलाकारों की टीम लीडर भरत मिश्रा, नेहा प्रियदर्शनी, रुचि देवी, अजय कुमार यादव, अरविंद शाह, रामाश्रय कुमार, लवकुश, किसान मुसाफिर यादव, ललित केशवर कुशवाहा, मानेश्वर यादव, जितेंद्र महतो, विनय पंजियार, राम अनेक यादव, राम कुमारी देवी, मुखिया देवी आदि मौजूद थे। मधुबनी से मनोज सिंह की रिपोर्ट। खबरों में अपने के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।